तो आप ये दावा करते हैं कि आप भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं, जगत गुरु ने इस पर कहा कि आप मूर्ख हैं, क्या आप सच में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं? ये कैसे संभव है? जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कैसे संभव है? आप कैसे उनके साथ पढ़ते हैं, कैसे उनके साथ खेलते हैं, क्या सिखाते हैं आप उनको? अरे कोई ठाकुर जी को अपना दादा मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानता है। वैसे ही मैं ठाकुर जी को अपने छोटे भाई के रूप में समझता हूँ। तो सिर्फ आप ही के साथ पढ़ते हैं, बाकी बच्चों के साथ भी पढ़ते हैं? अरे वो तो हर किसी के साथ खेलते हैं, हर किसी से बात करते हैं, जो भी उनके साथ मन लगा के प्रेम से बात करता है, ठाकुर जी उन सबसे बात करते हैं। आपसे क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं आपसे? हर तरह की बात करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं वो। कुछ तो बोलते होंगे ना, जैसे क्या बोलते हैं आपसे? छोटे भाई हैं तो क्या कहते हैं आपसे? हर तरह की बात करते हैं, मैं जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ वो भी मेरे साथ सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, कौन सा शास्त्र? जी मैं भागवत जी का पाठ करता हूँ। अच्छा, वैसे आपने अभिनव जी कहाँ तक पढ़ाई की है, किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, थोड़ा इस बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। मैं दिल्ली के स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि इन ट्रोलर्स की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा, आप हम लोगों को भी सुनाएंगे जरा, क्या पढ़ते हैं आप? आपने कहा कि मैं छोटे भाई के तौर पर भगवान आपके साथ पढ़ते हैं, उनको बहुत सारी बातें आप बताते हैं, क्या बताते हैं, कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी तो बताइए। जी मैं भागवत जी पढ़ता हूँ, मैं आपको भागवत जी के कुछ श्लोक सुनाता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः वंशी विभूषित कारण नवनीर राधा पीताम्बरा दनुन बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दड़ बिंब नेत्रात् कृष्णात्पणम किमपि तत्त्वमहं न जानी वंशी विभूषित कारण नवनीर राधा पीताम्बरादरन बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अच्छा अभिनव जी, एक बात बताइए कि राम भद्राचार्य जी के मंच पर आपके साथ क्या हुआ था उस दिन, क्यों वो नाराज हो गए आपसे, पूरी कहानी क्या है इसकी? देखिए, इंद्रेश महाराज जी के यहाँ श्री राम भद्राचार्य जी की कथा थी, तो मुझे तब 8-9 साल का था। तब मैं वो वीडियो 1-1.5 साल पुराना है, 2023 का है, और वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है जो कि झूठ है। और वहाँ पर उस समय जब मुझे मंच की गरिमा नहीं पता थी, तो मैंने वहाँ पर राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जो कि जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी, और अब मैं मंच में ऐसे नहीं करता। तो आप क्या कह रहे हैं कि आपके खिलाफ लोग झूठ फैला रहे हैं, फिर झूठी बातें बताई जा रही हैं, कौन लोग हैं वो? फिर राम भद्राचार्य जी ने मुझे नीचे भेज दिया था, तो लेकिन राम भद्राचार्य जी के डांट में उनका कितना सारा प्रेम भी तो था, उनकी डांट में उनका प्रेम छिपा हुआ था, और मैंने तो उसको आशीर्वाद स्वरूप भी पाया।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।